बंगाल वॉरियर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस, दोनों के बीच अपने जोन में अगली पायदान पर पहुंचने की जद्दोजहद। इस सीजन में बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस में ये दूसरा मैच है। पहला मैच बंगाल वॉरियर्स 35-30 से जीते थे और उसमें ये रेडर मनिंदर अबोजार के सामने 6 बार नाकामयाब रहा था। राइट कॉर्नर पर अबोजार हैं, राइट रेडर मनिंदर सिंह हैं। ये दो बड़े सितारों की जंग है। बिल्कुल, इन दोनों टीमों के बीच टाई का भी अजब सिलसिला है। कुल मिलाकर ये मनिंदर पहली ही रेड में कामयाब, बढ़िया टच किया, मान नहीं रहे लेकिन टच। तो आपके पास रिव्यू है, रिव्यू मांग लिया मनिंदर ने। पिछले मैच में एक भी रिव्यू नहीं लिया गया था। बंगाल वॉरियर, कमाल का डिफेंस। मनिंदर सिंह और अबोजार में घानी 6-1 का फासला दोनों के बीच, लेकिन यहां शिकार किया खूबसूरती के साथ राहुल चौधरी का। डिफेंस में एक ही आवाज आई, एक से ज्यादा खिलाड़ी अगर टीम चलाता है तो अंपायर वार्निंग दे सकते हैं, कार्ड दे सकते हैं। मोहसिन मकसूदलू, बढ़िया टैकल, एक बार फिर आदर्श की गए। डुओ डाई रेड में रेडर खाली नहीं जा सकता। ब्लॉक अबोजार का, आउट मनिंदर। बंगाल की मजबूती है उनके रेडर्स, डिफेंस ठीक ठीक खेला है। तेलुगु टाइटंस की मजबूती है उनका डिफेंस, रेडर बहुत अच्छा नहीं करे हैं। डुओ डाई रेड है, राहुल एक बार फिर आउट। यहां डुओ डाई रेड है, जैंग कुनली रेडर हैं, पॉइंट नहीं मिला तो जैंग कुनली आउट हो जाएंगे। और तेलुगु टाइटंस के डिफेंस ने अगर संयम दिखाया तो अपने आप उनकी झोली में पॉइंट गिर सकता है। वक्त निकल रहा है, डाइव किया अबोजार मेघानी, कामयाब। दोनों टीमें लगातार डू और डाई पर खेल रही हैं। पिछली बार मनिंदर 2 पॉइंट लेकर के गए थे, इस बार एक भी पॉइंट मिल गया तो गनीमत है। डिफेंस उन पर जा नहीं रहा, मनिंदर आउट, सुपर टैकल कामयाब। पहले हाफ की बड़ी कहानी यह है कि राहुल चौधरी को खामोश रखा है। बिल्कुल, इशारा कर रहे हैं कि आप एंड लाइन से बाहर चले गए, लेकिन वैसा था नहीं। देखिए कितना पीछे तक धकेल दिया, यस अब एंड लाइन से बाहर निकले फरहाद मिलाघर्धन, और इसके साथ ही ऑल आउट हो गई है तेलुगु टाइटंस। तो 4 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स के खाते में जुड़ गए। औसत रेट पॉइंट बंगाल के खिलाफ सिर्फ 6 है, बाकी टीमों के खिलाफ 8.8, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा औसत बाकी टीमों के खिलाफ। यहां पॉइंट मिलेंगे राहुल को, 1 पॉइंट। और इस समय मनिंदर का आउट होना बंगाल वॉरियर्स के लिए कोई शुभ खबर नहीं, और इसी खबर का इंतजार। 1 पॉइंट, 3 खिलाड़ी बचे हैं बंगाल के पास। सुपर टैकल कर लिए गए, बलदेव ने काम कर दिया। जी आपने पुकारा और डू ओर डाई रेड आ गई। किसी भी टीम की लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिलता तो तीसरी में पॉइंट लेना जरूरी है। सामने सुपर टैकल है, मनिंदर सुपर टैकल, 2 पॉइंट तेलुगु टाइटंस को। सुपर टैकल, ये डू ओर डाई है, 1 पॉइंट। सुरजीत काफी आगे खड़े थे, यही रणनीति होनी चाहिए थी, अंदर आने की इजाजत नहीं दी राहुल को। बंगाल वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया, 5 पॉइंट के फासले से तेलुगु टाइटंस को उन्होंने शिकस्त दी और अब अपने जोन में 3rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं बंगाल वॉरियर्स।